रामनवमी के अवसर पर मुस्लिम महिला द्वारा की गई प्रभु श्री राम की आरती। कहा, कोरोना संकट से देश को बचाएंगे प्रभु श्री राम। जी हां, खबर वाराणसी से है, जहां रामनवमी के अवसर पर पिछले 14 वर्षों से सांप्रदायिक एकता के सूत्र में देश को बांधने के लिए मुस्लिम महिलाएं भगवान श्री राम की आरती करती आ रही हैं। हनुमान चालीसा फेम नाजनीन अंसारी द्वारा उर्दू में रचित श्री राम आरती एवं श्री राम प्रार्थना प्रत्येक रामनवमी पर मुस्लिम महिलाओं द्वारा गाया जाता है। लेकिन कोरोना लॉकडाउन के दौरान मुस्लिम महिला फाउंडेशन के नेशनल सदर नाजनीन अंसारी ने सभी मुस्लिम महिलाओं को भीड़ जुटाने से मना कर दिया और केवल उन्हीं 4 महिलाओं को आरती की इजाजत दी जो प्रतिदिन भूख से पीड़ित के लिए भोजन बना रही हैं। कहा गया कि भूख से पीड़ित की सेवा ही राम का काम है। वहीं इस अवसर पर कहा गया कि तबलीगी जमात के पाप से पूरे देश में अचानक कोरोना में वृद्धि आ गई है। इसके लिए मुस्लिम महिलाओं ने भगवान श्री राम से प्रार्थना की है कि इनके पाप से भारत को मुक्ति कराया जाए। वहीं श्री राम आरती में नाजनीन अंसारी के अलावा नजमा परवीन, नगीना बानो, तबस्सुम, नाजमा बानो ने भाग लिया। वहीं आरती का गायन अर्चना भारतवंशी ने किया। रिपोर्टर्स पेज की खास रिपोर्ट। जय श्री राम, आओ हम कर हम सब।
ठीक है भैया, सब आज राम आरती की क्या दुआ किया आप, भगवान से मांगा और क्या खास रहा आज खास आरती में? आज भगवान श्री राम का जन्म हुआ है और रामनवमी का पावन पर्व है। पिछले 14 सालों से मुस्लिम महिला फाउंडेशन लगातार भगवान श्री राम की आरती करता रहा। इस बार देख सकते हैं कि आप कोरोना लॉकडाउन के कारण सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से महिलाओं की संख्या कम है, सिर्फ 5 महिलाओं के साथ भगवान श्री राम की आरती की गई और भगवान श्री राम की आरती करके हम लोगों ने ये दुआ की, ये विनती की, प्रार्थना की भगवान से कि जिस तरह से उन्होंने राक्षसों का अंत करके, असुरों का वध करके पूरी पृथ्वी को इस संकट से मुक्ति दिलाई थी, उसी तरह से कोरोना जैसे राक्षस को का अंत करके, उसका खात्मा करके, उसका उस संकट से पूरी दुनिया को मुक्ति दिलाए, क्योंकि आज पूरी दुनिया इस संकट से परेशान है। और तबलीगी जमात वालों को मैं उनके लिए सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे लोग जो पाप का काम कर रहे हैं, जो गुनाह कर रहे हैं, जो अल्लाह के बताए रास्ते पे नहीं चल रहे हैं बल्कि शैतान के काम कर रहे हैं, और ऐसे लोग जो पूरे भारत में जिन्होंने कोरोना जैसे वायरस को फैला दिया और ज़्यादा फैला दिया है, ऐसे लोगों को ईश्वर सद्बुद्धि दे ताकि ऐसे लोग जहाँ हैं वहीं पर रहें, फैलने ना पाए और संकट को फैलाए ना। 14 वर्षों से अनवरत मुस्लिम महिलाएं देश के लोगों के दिलों को जोड़ने के लिए, सांप्रदायिक एकता स्थापित करने के लिए, मोहब्बत फैलाने के लिए श्री राम की आरती करती आ रही हैं। बड़ी तादाद में जुटती है, लेकिन इस बार कोरोना लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री की अपील पर मुस्लिम महिलाओं ने इरादा बदल दिया और केवल 5 मुस्लिम महिलाओं ने भगवान श्री राम की आरती करके भगवान श्री राम से मन्नत मांगी कि कोरोना रूपी महामारी से हमारे देश को मुक्ति दिलाए। आज राम जी का जन्म हुआ है और ये माना जाता है कि राम के जन्म के साथ एक नया सूर्योदय होता है। आज रामनवमी है, राम के जन्म के साथ ही राक्षसी प्रवृत्ति, असुरी प्रवृत्ति का अंत होता है। तबलीगी जमात के लोग असुरी प्रवृत्ति के लोग हैं और इनका, इनके विचारों का अंत, इनके असुरी प्रवृत्ति का अंत राम के नाम से ही हो सकता है। जिस तरह से इन्होंने कोरोना फैलाने का पाप किया है, इस पाप से राम ही मुक्ति दिला सकते हैं। राम ने जिस तरह से राक्षसी प्रवृत्ति से, राक्षसों से भारत भूमि को मुक्त किया था, उसी तरह से कोरोना रूपी राक्षसी जो महामारी है उससे भी भारत भूमि को मुक्ति दिलाएंगे। ऐसे ही कल्पना के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भगवान श्री राम की आरती की है और उनसे प्रार्थना किया है कि जल्दी हमारा देश कोरोना के संकट से मुक्त हो जाए।